मैडम आप डबिया पागल ना बन गए, बाजू बेटवा पागल बन गए, अब पुतो ये आके पागल बना दे लो, साथ रहो अब बात बोलो, बेटवा पागल बना दे लो, ये पुतो ये पागल बना दे लो, अरे थाना वाला कोची हो गया, पकड़ के लेके जाते भाई, पकड़ के लेके जा रहे, पुतो ये पागल बना दे लो, हम निशान का अरे क्या क्या प्यार का ले बाजे सुन ना यहां पर तू ऊपर मेरा इसको नीचे रहने दे, बस कहा लगे हल्ला कर रहा है, काम हल्ला कहाँ कर रहा है, शांत रहो, अच्छा शांत रहो एकदम, आप देखिए ना मैडम, हो गया कोई बात नहीं, नीचे रहेंगे तू ऊपर में रहो, और जैसे जैसे सब बेटा का शादी होगा बोलेगा कि अपना अपना फूला बनाओ जाके रहो, और आप आराम से वहाँ रहिए, ठीक है ना, ये नालायक बाल बच्चा को आप त्याग करिए, आपका एक बच्चा नहीं सही है, गाली बकता है, शराब पीता है, यही मैं आपका समाधानी है, ठीक है मैडम, तकलीफ से पोस लिखे मैडम, हम आप ही का पीड़ा के लिए तो आए हैं, हम उसी समय आपका दर्द महसूस कर रहे हैं, हम जान रहे थे कि ये सब बेटा आपको पागल बना दिए, मैडम ऐसा नहीं, आप रोइए नहीं, हम आप ही के लिए आए, आप ही के पति के लिए आए, आप लोग देवी देवता हम 1,00,000 रुपया लोन लेके बनाए मैडम, हम 1,00,000 रुपया लेके लोन बनाए, हमने पूरी पूरा गांव मोहल्ले से पूछी है, तू आपकी बड़ी बहू नहीं है, ये घर नहीं है मैम, आप ही बताइए हमारा भाई जी इतना तरपाता है, लगता है मर जाओ, अरे नौटंकी आप कुछ करेंगे, आप लोग नौटंकी हम लोग कौन बन, अरे पूरा गांव बन रहे तो पूछिए ना, पूरा गांव बन रहे तो अरे बहुत लाभ ना, अरे ये चार बुआ पांच बुआ रोड पर ये गंदी गंदी गाड़ियां, हम मैडम यहाँ पे सेटल हो गए, अब क्या सेटल, किसका सेटल होना था, हम सेटल हो गए, सेटल किसका बना था, कागज बना था, कागज किसको सेटल होने का, कागज किसको बना था, तब फिर आप क्यों सेटल हुए, इनका आदमी कहाँ है, इनको सास से पड़ता है, इनको नहीं पड़ता है, इनको हम तनखा मारते हैं, कागज को तुम गलत साबित किए, तुम तुमसे हम सारा करवा के गए थे ना, चलो चलो तुम सामान है, चलो चलो मैम सामान रखे भगा दिया, वहाँ से ताला नहीं मारा, यही लोग आइए फाइल खुला हुआ है, पहले सुनिए उन्हें उन्हें नहीं जाए, पहले हम सुनेंगे, मैम इधर सुनिए मैम, आप ही बताइए घर के मालकिन हो के आप कहते हैं कि हम गलत हैं, हाँ हमको पैसा लगा हमारा डालम मर गया, हाँ हमको कोई नहीं था, पोता की दे दिया बैंक के कागज, 1,00,000 रुपया लगा के बनाए, हम 1,00,000 रुपया लोन लेके बनाए मैडम, हम 1,00,000 रुपया लेके लोन बनाए, हमने पूरी पूरा गांव मोहल्ले से पूछी है, तू आपकी बड़ी बहू नहीं है, ये घर नहीं है मैम, आप ही बताइए हमारा भाई जी इतना तरपाता है, लगता है मर जाओ, अरे नौटंकी आप कुछ करेंगे, आप लोग नौटंकी हम लोग कौन बन, अरे पूरा गांव बन रहे तो पूछिए ना, पूरा गांव बन रहे तो अरे बहुत लाभ ना, अरे ये चार बुआ पांच बुआ तो पूछिए आप, आप गाली काहे दे रहे हैं, आप पूछिए, आप पूछिए, अरे आप पूछिए, गाली काहे दे रहे हैं, हम भी पूछिए, लैट्रिन पूरा 1,00,000 रुपया ले लिए आप लोग, एक ले पूरा पूरा पूछिए, पूरा ना आप लोग जाइएगा, जाइएगा, हाँ भैया देखिए जाइएगा आप लोग, हम बोल रहे हैं जाइएगा, आप मम्मी से पूछिए, पापा से भी पूछिए, आप लोग जाइएगा, पैसा लगा है ना, हाँ क्या है, क्या है पूरा पूरा बात बताइए, क्या है पूरा बात बताइए, क्या है भैया, हम हाँ बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आप लोग ये बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, कुछ भी हो, हाँ ठीक है बोलिए, हाँ हम अभी आए तो वो रोड पे गाली गलोच पूरा कर रहा था, अभी भी गाली, अभी आए हैं बात कर रहे हैं तरीका, एक मिनट अभी अभी आ रहे हैं, पर तरीके से बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो आ रहे हैं, हाँ आप कुछ भी हो, मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, आपसे झगड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, घर पे है लड़ाई झगड़ा होता है, अरे आप लोग हल्ला काहे कर रहे हैं, तू ये तो
लाख रुपया लगा, हम दे दो लाख रुपया, हल्ला कर रहे हो जब मीडिया वाला सर में आ जाए तो एक मिनट रुकिए 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 दादी, हाँ ठीक है रुकिए, आपसे सुनिए 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 एक मिनट सुनिए, अच्छा 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 बताइए क्या बात है बताइए, हाँ ठीक है बोलिए, बाथरूम बना दो पैसा दे दो अपना चल जाएगा निकले, क्या है पूरा 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 बात बताइए, एक लाख रुपया अपना पैसा लिया लोन पर उठाया, नीचे बना नीचे बना था, आप जाइए मना नहीं कर रहे, आपका अधिकार अपना जाए, कौन कौन आपका रिश्ता क्या है, गोतिया के रिश्ता है, तो नीचे क्या? पैसा हम भी लगाए सर, हाँ लोग नहीं बोल पा रही है, हाँ तो पूछ ही तो रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया से बताइए, हाँ शुरू से, मतलब जो महिला वाला दूसरा वाला, हाँ उसका क्या नाम था कि हम उसमें घर में जा रहे हैं, अगर जिसको जाना है तो दादी दादी आराम से रुकिए बात कर रहे हैं, तैयार नहीं हुआ, हाँ वो बड़ा जो महिला वाला था जो अभी रहने बोल रहा है, तब वो अपना किया मतलब सारा लोन वगैरह सारा कुछ महिला जो है फिनिशिंग किया, मतलब वो लोन उठा के जो है पूरा फिनिशिंग किया, उसमें शिफ्ट हो गया, अब शिफ्ट होने के बाद बड़े वाले का कहना, बड़े वाले का कहना है कि नहीं अब हम भी उसी में रहेंगे, हम भी उसी में रहेंगे, हम भी उसी में रहेंगे, तो उसका बस यही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि भाई वो कह रहा है कि हम अपना पैसा लगाएं, उस समय अगर पैसा उसका रहेगा तब कुछ उठेगा, नहीं पैसा रहेगा तो कहाँ से उठाएगा, आदमी गरीब आदमी है कहाँ से उठेगा, उठेगा जहाँ से भी जाएगा तो यानी कि एक फिनिश हो गया तो कम से कम दो महीना पाँच महीना काम का कहना है ना कि हम पाँच महीना के बाद नीचे कोई एक तो पहले बात पूरा क्लियर कर लीजिए, हम फिनिशिंग करवाए हम रह रहे हैं, हाँ हाँ बाकी अगर तुमको रहना तो तुम भी ऊपर वाला है, वो प्रॉपर्टी किनका है जो फिनिशिंग करवाए, मतलब कौन दादा का हुआ या पिता का हुआ, दादी के नाम से, दादी के नाम से है, उनमें तो सबका अधिकार होगा, सामने देखा एक फ्लोर है, अच्छा यही है, आइए आइए दिखाइए, आइए चलो देखा भैया, एक कुंडल बनो बनाई, मामला है पांच भाई का है, हाँ ठीक, जिसमें दो भाई का शादी हो गया, तीन भाई का हो गया शादी, इधर आइए अच्छा हमारे शर्त बताओ दादी, आप पैसा कोई आराम से, दादी दादी टेंशन मत लीजिए ठीक ना, बराबर है ना दादी, वो कहल के बाबू हाँ तो मैडम में रहेगा, इधर आइए, हम नहीं रहेंगे, बड़का इधर आइए, इधर भाभी को इधर रहने, तो भाभी को रहने दो, अच्छा कोई बात तू ऊपर में रहो, अरे ऊपर में रहो तुम, टेंशन मत लो, अच्छा तो ना होगा लड़ाई, हम उसको नीचे एडजस्ट करवा देंगे, रहेगा हाँ एकदम दादी, आप सही ना, हम उसी में रहेगी, उसी जंगल में, क्योंकि बहुत आपकी बहू को तंग करती है, लड़ाकू है आपकी बड़ी बहू, क्या बोले कहाँ जाएगा तेल बेचने, कहाँ जाएगा तेल बेचने, उन्हीं का प्रॉपर्टी है, वो कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टी है तो उस जगह में उस बूढ़ा बूढ़ी कहाँ फिर रोड पर आएंगे, बूढ़ा ने खाना पीना नहीं देना था हमारे पास, कोई बात नहीं, पोता नशा चले रहता है, पीने खाने वाला है, उसका बीवी और बच्चा का जिंदगी दांव पे लगा हुआ है, समझ गए ना, पीने खाने वाला व्यक्ति से हम कोई बयान नहीं लेते हैं, जो शराब पीता है वो क्या सही ढंग का विचार रखेगा, वो अगर अपने बीवी और बच्चा के बारे में सोचेगा तो शराबे नहीं पिएगा, समझ गए ना, तो उसका पति शराबी है और आपका बहू है, दो गो पोती है, उसको नीचे रहने का बस साधन दे दीजिए, तुम ऊपर में रहो, बोल देती क्या तुमको कागज बना के गए थे, सुनो अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, अरे सुनो ना, चलो हो गया शांति रहो, हम नहीं रहते इस घर में, अरे तब तुम अच्छा चूल्हा काटना नहीं लेते, ठीक है सुनो देखा देखिए, हाँ बोल तो रहे हैं लाने के लिए, दोनों बेटा ही है
दोनों को तय है, कुछ होगा तो दर्द दोनों को होगा, ये नहीं होगा इनको कुछ भी होगा। पाँच आपके लिए सब बराबर है, तो आपके लिए सब बराबर है ना। हाँ तो उसी में एडजस्ट करके देखिए बड़ी वाली जिसके साथ में आप आए उसका हस्बैंड थोड़ी पी कर जोर के रहिएगा, देखिए तो दादी रो रही है। अच्छा चलिए आप लोग को बोलने बोले हैं, आप आराम करिए दादी, दादी आप टेंशन मत लो। अरे कोई नहीं करती है ना, रुकिए हम बताते हैं सबको, हमारे दादी अभी सबको सुधारते हैं। यहाँ जस्ट करार कर ली बेटी, हम ना रहा। देखिए दादी का बयान लीजिए, कहना कि हम ना रहा हुआ तू रह गन, दो लाख रुपया लोन पर ले के बनाई बेटी। कभी एक लाख कहते हैं, कभी दो लाख कहते हैं, एक लाख ले लेंगे लौंगा में से ले गई है, लौंगा में से ले गई है, लोग पर लोग प्योर नौटंकी है। जब बोल रहे कि चुप रहो, तुम ऊपर में रहो नीचे रहे, क्यों नहीं करेंगे? मेरा वो घर नहीं, क्यों नहीं करेंगे? और तुम हो कौन? हम नेबर है, जो सच रहेगा वही बोले। कौन है? हम नेबर है, पड़ोसी है, तुम्हारा पक्ष में रहता है। तो ठीक है, बड़ा भाई नीचे रहेगा, छोटा भाई ऊपर रहेगा, फिर तो जा रही है बीच में, बोलो नहीं बेटी। और तुम जो हो ना, तुम बीच में घुस रहे हो ना, तुम सही नहीं कर रहे हो, समझ गया ना, तुम सही नहीं कर रहे हो। ज्यादा हीरो मत बनो मीडिया के सामने। चलो सर, तुमको बोलने बोल रहे हैं क्या? तुम क्यों पारिवारिक मामला में बीच में ठुबक रहे हो? और भी तो लोग है ना, क्यों बीच में तुम काबिल बन रहे हो? बदाम चुप रहो, तो तुमसे ज्यादा हमको पता है, हम पहले भी आ चुके हैं, समझ गया ना। तुमसे ज्यादा हमको मैडम तो कहाँ वाला गाँव वाला सलटा लेता तो हमको आने नहीं पड़ता। गाँव वाला सलटा लेता मैडम, ऐसा बात अभी बोल रहे हैं, गाँव वाला सलटा लेता इसमें बोलता। उसके बाद में जो आदमी सलटा लेता ना, जो भाई में सलटा लेता कोई के लिए नहीं लेता मैडम, बिल्कुल ठीक ना मैडम। आप लोगों को आपस में ही समझ लेना चाहिए, ठीक ना। अब जब मीडिया के सामने, तो मीडिया के सामने कोई भी तेरी कोई टेंशन नहीं है, हो रहा है घर के आदमी सलटाने के लिए घर ऐसी घर का परिवार बेटा है, मतलब होता इनका जिसका में हम लोग शादी हो ले, हम घर पे ही रहना नहीं चाहते, कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, हम उस खाली सुलेशन उस सुलेशन पे हम घर पर रहना नहीं चाहते, हम उस सुलेशन में है घर के परिवार के आदमी लड़ाई करे चाहे झगड़ा करे मैडम, ठीक है। अच्छी है, बहुत शांति है, हल्ला नहीं करो, तुम जब जिंदगी में रहो चुप रहो, चुप रहो, हल्ला नहीं करो, चुप रहो, चुप रहिए आप लोग, हल्ला नहीं करो। वही करे मैडम, कुछ भी हो घर पे या आधा कट्टा जमीन हो चाहे पान धूर भी हो, किसी से हमको लेना देना नहीं है, चाहे मैडम कोई भी हो चाहे कुछ भी हो, झगड़ा पानी करने से घर के सदस्य इज्जत घर का परिवार का बुरे बुजुर्ग के इज्जत जाता है, बदनामी होता घर में। आज इतना गांव जवाहर देख रहा है तो क्या जा रहा है, इज्जत नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है? अपना अपना घर में जाइए। आप मैडम पहले एक बार और आए थे, यही बात हम इतना सुनिए, एक बार और आए थे इनकी विषय, भाई जो था ना रोड पर से गिर गया, सुनिए ना, उतना में गाली बक रहा था, गाली तो उसका गंदा गंदा गाली दे रहा था, बाहर निकल के अपने घर में चुप रहिए, आप लोग चुप रहिए। हाँ हाँ वन मिनट मैडम, रोड पर बाहर निकल के गाली बक रहा था।
मीडिया तो हम अपने सुरक्षा में रखते हैं, कोई जरूरत नहीं। हम यही फरिया दादी लव बेटी मैडम कुछ भी रखिए दादी को मैडम नहीं। आपकी बड़की बहू जो है ना सब बहू से भी नहीं उसको पड़ता है। नहीं सुनिए मैडम, एक बात और बोलेंगे। हेलो, और वहाँ पर आप लोग रहिएगा कि बहू अभी और होता है वही ना। बताइए कि कई लोग लड़ेगी तो शादी कैसे होगा। रहने दीजिए दादी, वन मिनट मैडम, आप लोग चुप रहिएगा। सुनिए ले जाइए, आप लोग चुप रहिएगा। आप चलिए ले जाइए, आप लोग अब शांत रहिए। जब हम बोले हैं तो आप लोग शांत रहिए। अब जाइए घर जाइए। हेलो हेलो, एक मिनट एक मिनट। इतना ही बेहुदा है कि ये हमारे समाज में ये गाली बकता है। तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं है क्या? तुम होश में हो? तुम कितना गंदा गाली दिया एक समाज से भी। तुम्हारे घर की औरतें हैं, तुम्हारी लैंग्वेज इतना रफ है। हम प्यार से बोल रहे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या? गाली बकता है बहू बेटी को, गाली बकता है तुम घर में। तमीज में आओ तुम लोग। कॉल कर देंगे, समझ लेना। हम प्रशासन को कह के आए हैं एक मिनट में चिप्स जाओगे। शराब पी के बदतमीजी यहाँ मत करो, कंट्रोल में रहो। इंस्टॉलमेंट में करना है हाथ मत छूना मेरा। आप आगे शादी भी टैक्स किसी महिला को कर दिया तो हालत मिला। बताओ बाप के हाथों के हालत करेंगे नहीं। पूरा जनता एक तरफ, आप एक तरफ बोलिएगा प्रशासन को। पैखाना बना दिया तू ऊपर मेरा, इसको नीचे रहने दे। बस कहा लगे हल्ला कर रहा है। हल्ला कहाँ कर रहा है? शांत रहो, शांत रहो एकदम। आप देखिए ना मैडम, हो गया कोई बात नहीं। तुम ऊपर में रहो और जैसे जैसे सब बेटा का शादी होगा बोलेगा कि अपना अपना फ्लैट बनाओ जाके रहो और आप आराम से वहाँ रहिए। ठीक है ना? ये नालायक बाल बच्चा को आप त्याग करिए। आपका एक बच्चा नहीं सही है, गाली बकता है, शराब पीता है, समझ रहे ना? यही में आपका समाधानी है। ठीक है मैडम, ठीक है। बारी तकलीफ से पोसली के मन में हम आपकी का पीड़ा के लिए तो आए हैं। हम उसी समय आपका दर्द महसूस करते हैं। हम जान रहे थे कि ये सब बेटा आपको पागल बना दिया मैडम। एकदम नहीं, आप रोइए नहीं, हम आप ही के लिए आए, आप ही के पति के लिए आए हैं। आप लोग देवी देवता पागल बना दे, समझ गए ना? पागल ना नहीं, तुम लोग अपने बीवी के इशारे पे रखते बेटा को पाली। पागल बना दे मैडम, समझ निकाले तो शांत रहो। समझान निकाले, समझान निकाले, समझान निकाले दो मैडम। पागल बना दे जन्म लिख मैडम, पागल न बनी पाजू बेटवा पागल बन गए। अबू तो ये आगे पागल बना दिल अरे थाना वाला कोची हो गया पकड़ के लेके जाते पकड़ के लेके जाए। तू तो यह पागल बना दिल।
हेलो ए भाई साहब, हम नहीं लेके आए प्रशासन, ऐसे काहे कर रहे हैं, ऐसे काहे कर रहे हैं, धक्का मुक्का मत कीजिए, ठीक ना। काम करने दो, मौन हो जाओ, मौन, एकदम शांत। कागज वाले क्या होता है? वो बैंक के कागज और वो थाना लिखा है, वो जो उबला कागज वाले क्या हो जाओ आप मैडम, आप ए, तुम लोग पीले हो, बात मत करो प्लीज। तुम लोग का बदबू से मेरा सर फट रहा है, इतना ड्रिंक पीते हो तुम लोग डिंडारे, जबकि बिहार में शराब बंदी है। यहाँ हुआ तो दारू एकदम हालत बिगाड़ दिया, पूरा यहाँ से वहाँ तक दारू पीता है। यहाँ हुआ तो दारू बिगाड़ तो पुलिस आ ही रही, पकड़वा दूँ सबको। दारू बंद, नाम के दारू बंद कर ले, दारू बंद पकड़वा दूँ सबके। गरीब आदमी का पकड़वा दे। हाँ भाई, गरीब आदमी करेगा, ये एक्टर है, ये एक्टर है, ये एक्टिंग करेगा। मैडम उस टाइम आप बढ़िया करते हैं, चुप हो जाओ उस टाइम आप चुप रहो। आज हमको एक्टर जो है बैंक के कागज लेकर देखिए आपको, कागज बना के दिए थे वो कागज का नहीं, अभी कागज देंगे, केस करेंगे, छब्बीस दिन पहले गए थे कोर्ट में, हम सलाह दे दिए थे। ये देखिए कोर्ट में सलाह, देखिए कोर्ट में सना, छह दिन पहले केस किया था, उसका नाम है कोर्ट में सना, इसका आदमी कोर्ट में सना दिया। रुकिए एक मिनट, करने दीजिए इसका इच्छा पूर्ति होने। नहीं नहीं, ये बैंक के कागज लाओ। अरे आप पूछी करे मैडम, कितना परेशान हमारा किया मैडम। अरे तो क्या दिक्कत है, वो नीचे में रहेगी तुम ऊपर में रहो। तो मैडम मना नहीं कर रहा कौन, तो फिर हल्ला को हल्ला कर तब हल्ला, एक मिनट, जब तब हल्ला क्यों कर रहे हैं आप, तो आपने सुनिए सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा भाई पहले मेरा बात सुनिए। जज के आप लोग जज से बढ़ गए ना जी, ये देखिए जज के साइड, हम ऐसा कब बोले जज से बढ़ के हैं, देखिए जज के साइड कुछ कुछ बोल रहे हैं। अरे कुछ जज के साइड, अभी अभी फर्जी कागज है इसका, ये फर्जी का फोटो कॉपी इसका, ये ओरिजिनल ही है। ये देखिए, देखिए इसका लीला, ये भाभी के सनहा करके आया है कि मेरी भाभी से, ये ओरिजिनल कागज है, देखिए ओरिजिनल कागज ये है, देखिए ओरिजिनल का। नहीं कोई नाटक नहीं है, झूठो मुटक नाटक, आप लोग पैसा खा लेते हैं, अब पैसा खा के कहते हम भी देते हैं 10,000 रुपया आपको। देखिए कैसे वीडियो बना रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, समझे? प्रशासन नीचे रहने में उनको कोई आपत्ति आपको? नाटक में बजा नहीं, नहीं, नहीं आपत्ति नहीं है, नहीं है, एक मिनट, कितना बढ़िया। अरे सुनिए ना, आप काहे इतना बोल रहे हैं, बोल रहे ना कि चुप रखो। अरे चुप रहो ना, आप हम कितना गोर ला के कह दो, हम आपको चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, नीचे रहने, जब नीचे रह मैडम पैखाना बना दो, नीचे रहने में कोई आपत्ति नहीं है, काहे आप हल्ला कर रहे हैं, हल्ला काहे कर रहे हो? अरे हाँ? ठीक है, शांत हो जाओ, आप कह रहे कोर्ट के कागज के, आप कोर्ट के कागज के आप गलत छड़ा रहे हैं, हाई कोर्ट का जज ना है जी, बैंक का कागज बोलता है, इसको बोलने दीजिए। शराब पीले है, पगलायल है, वही शराब पूरा तो दुनिया शराब पीले, पी का पूरा का तमाशा कर, वही ड्रिंक किया नहीं किया मैडम, जैना भी ड्रिंक नहीं किया, बदबू दे रहा है, चुप हो जाओ तू। जैना आप कहे थे कि दुनिया, सोचिए ये लोग दिन दहाड़े ड्रिंक भैया से बात कर लीजिए।